नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप कौन सी ऐसी 5 टिप्स अपनाएं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद हो, दोस्तों आपके लिए बहुत कारगर हो। तो ये 5 टिप्स मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। इन 5 टिप्स को आप अपनाओगे तो आप निश्चित जो है सफलता प्राप्त करोगे। आप देखोगे, अपनाकर ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा देखना और 5 टिप्स के बारे में सोचना ज़रूर। अपनाना नहीं अपनाना अपने अपने विवेक पर होता है, लेकिन इन 5 टिप्स के बारे में आप सोचना ज़रूर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटे दबाने पर वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। तो टिप्स नंबर 1 है, परीक्षा से डरे नहीं। दोस्तों, एग्ज़ाम से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में पल पल पर आपका एग्ज़ाम होता है। ये तो एक ईयरली एग्ज़ाम है जो कि आपको साल में एक बार देना ही पड़ता है। साल में वैसे 2 बार होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं और ईयरली एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है इस परीक्षा से डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा से बोले बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, यार क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा हो, वो बोर्ड में प्री बोर्ड मेरा ख़राब गया था इस प्रकार से, या वो ये सोचते यार मैं तो एकदम डल विद्यार्थी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, इस प्रकार की अपने दिमाग को जो है मानसिक प्रताड़ना न दें, परीक्षा से बिल्कुल भी न डरें। एग्ज़ाम हॉल में जाएं, 3 सवा 3 घंटे में जो आप पेपर करोगे वो आपकी पूरी साल की मेहनत का पेपर होगा। जो आपने पूरी साल मेहनत की ना, वही 3.25 घंटे में लिख के आओगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए परीक्षा से बिल्कुल न घबराएं, परीक्षा से डरे नहीं, परीक्षा को डराएं, यानी उसको कह दें हाँ आजा मैं तेरे सामना करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अपनी मेहनत करें, परीक्षा से बिल्कुल न डरें। टिप्स नंबर 2, परीक्षा पूर्व स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो परीक्षा से पहले बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम जो भी हो, टेबलेट लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी छोटी मोटी हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी दवाई ले लें। सर्दी जुकाम कोई भी हो, परीक्षा से पहले बीमार नहीं पड़े, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान रखें, ठीक है। टिप्स नंबर 3, नींद का त्याग न करें। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो इस समय जो है नींद का त्याग कर देंगे, यानी 4 घंटे सोएंगे, कोई सोचता है 5 घंटे सोने, ठीक है। दोस्तों, 6 से 8 घंटे नींद विद्यार्थी जीवन में बहुत हेल्दीफुल होती है। आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो कम से कम परीक्षा के इस समय में आप 6 घंटे की नींद जरूर लें। दोस्तों, 6 घंटे आप नींद का त्याग न करें, 6 घंटे की नींद जरूर लें। रात को अगर आप लेट तक पढ़ना को जरूरी नहीं है, आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने नींद का त्याग न करें, नींद पूरी लें। क्योंकि अगर आप ये सोचो, अगर आपने एक दिन 6 घंटे की नींद को 4 घंटे में कन्वर्टेड कर दिया, तो वो इफ़ेक्ट जो है आपकी पढ़ाई पर दिखेगा दोस्तों, सीधा सीधा आपके माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि माइंड भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। अगर उसको भी आराम न मिले तो उसमें भी जो है दोस्तों खराबियां आने लगती है, इसलिए आप जो है अपने नींद का त्याग बिल्कुल न करें। टिप्स नंबर 4, पढ़ाई के साथ ब्रेक। दोस्तों, सपोज दैट आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे लेकर 10 से लेकर आज शाम को 4 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 6 घंटे हो गए। इन 6 घंटों में आपको कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई में आपको कम से कम जो है हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। या तो आप पढ़ाई को ऐसे कर सकते हो कि 55 मिनट आपने पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या 50 मिनट पढ़ाई की, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ऐसे ब्रेक्स जब आप लेते रहोगे तो आपका माइंड शार्प होता रहेगा। लेकिन ब्रेक्स के दौरान एक तो आपको मोबाइल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, टीवी बिल्कुल नहीं देखना है। इस 10 मिनट के ब्रेक में आप या तो घूम सकते हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर थोड़ा बहुत घूम सकते हो, या थोड़ी देर के लिए कोई भी गाना सुन सकते हो, या कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन फ़ोन या टीवी आपको उस समय अलाउ नहीं है। आप फ़ोन और ये टीवी में अगर 10 मिनट सोचोगे कि यार 10 मिनट कोई सीरियल देख लेता हूँ, तो आप 10 मिनट को कब 2 घंटे बदल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक में भी लिमिटेड ब्रेक लें। लास्ट एंड फाइनल टिप, याद ना हो तो लिखें। बहुत सारी दोस्तों को ये समस्या होती है कि उन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, यानी वो याद तो करते हैं 2-3 बार लेकिन याद नहीं रहते। तो उसका अच्छा सोल्यूशन है
राइटिंग करें, यानी अपने पास एक छोटी सी कॉपी रखें, जो भी आपको याद नहीं हो रहा, जैसे फॉर दैट आपको साइंस का कोई फॉर्मूला या कोई सूत्र याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें उस कॉपी में उसको पहले याद करें, पहले तो आप उसको किताब से याद करें, ठीक है, उसके बाद उसको देख कर लिखें, ठीक है, उसके बाद उसको बिना देखे लिखें, ठीक है, उसके बाद देखें कि आपको फॉर्मूला कितना याद हुआ, या आप काम कर सकते हैं जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर उस फॉर्मूलों को लिखकर, एक पेज पर लिखकर उस फॉर्मूलों को अपने दीवार पर चिपका दे, जो भी फॉर्मूले हैं, और उनको रात दिन अगर आपके आंखों के सामने रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की 5 टिप्स, उम्मीद करता हूँ आपको टिप्स पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।